इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से। आपको बता दें कि थाना तालगांव कज्जर शरीफपुर में जमीन में गड्ढा खोदने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। चले लाठी डंडे, बच्चे सहित चार लोग हुए घायल। घायलों को सीतापुर जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं बच्चे की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्चे को सीतापुर जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है, बाकी शेष का सीतापुर जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है दादा आपका? कासिम। क्या हुआ था, किस बात पे विवाद हुआ? ये चौतरा खोद ले रहे हैं, जो उनका हम कहीं भी चौतरा नहीं खोद रहे हो, बांका लेके दौड़े, हमने हमारे मोड़ पर मार दिए, हमारे बच्चे के मार दिए। अच्छा, आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं और किसने मारा है? अम्मा घायल है, हमारे भाई बड़े वाले घायल है, बच्चा भी ज्यादा सीनियर है, हम भी घायल है। कुल मिला के पांच लोग घायल हैं। चार लोग। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने इसको सूचना दी इसकी? आपका फोन किया है, बस हम लोग ज्यादा घायल, लेकिन अब तुरंत चल दिया। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, मौके पर आई थी पुलिस। आई थी पुलिस साथ में आई थी आपके यहाँ? साथ में आई थी। हम तुरंत लेके भागे ना, जो लोंडे बूढ़े देखे तुरंत लेके। वो पार्टी बंद है कि नहीं? नहीं, नहीं। उनके पर कोई कार्रवाई करी गई अभी? अब वो जो कुछ की कार्रवाई कोई नहीं की गई। कौन से गांव का मामला है? कंजा शरीफपुर। थाना कौन सा है? R9 भारत के लिए कामरान अख्तर की रिपोर्ट, सीतापुर। सीतापुर भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों व पदाधिकारियों ने मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर लालबाग शहीद पार्क में जिला अध्यक्ष संतोष कुमार राव की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष जागेश्वर वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूरों किसानों के साथ पंचायत की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए विकास भवन में पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता करने के लिए पहुंचे, जहां पर पहले से ही मौजूद मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने नजर अंदाज करते हुए निकल गए। गरीब मजदूरों किसानों से वार्ता करना मुनासिब नहीं समझा। सूचना पाकर नायब तहसीलदार सदर आकांक्षा जोशी ने संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता कर जांच कराए जाने का आश्वासन दिया, फिर भी संगठन के पदाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी से ही वार्ता किए जाने की बात पर अड़े रहे, जिसके उपरांत नायब तहसीलदार आकांक्षा जोशी ने संगठन को मुख्य विकास अधिकारी से कल वार्ता के लिए 10 बजे बुलाया। तब जाकर मजदूर किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त, न्याय न मिला तो एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से लेकर न्याय की गुहार लगाएंगे। विकास खंड परसेंडी के पिपरी सिकटीहा मजरा मिर्जापुर नरसोही, विकास खंड खैराबाद के गंगापुर उलपत राय एलिया के धवरसारा, पिसावा के रूसा मजरा चिरोहला व परक व पखरपुर के गांव में मनरेगा में 5 वर्षों के दौरान किसी भी वर्ष में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया है। जॉब कार्डों पर किसी भी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गई है। गांव के अधूरे खंजड़ व शौचालय निर्माण के कार्य के लिए अधूरे पड़े हैं, जिसका पैसा 14वां वित्त से निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास में घोटाला किया गया है, अपात्रों को आवास लाभ दिया गया है, पात्र लोगों को आवास से वंचित कर दिया गया है। विकास कार्यों की ग्रामीणों ने जाँच करने हेतु एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें ग्राम पंचायत नरसोही में नामित अधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक, सीतापुर व पिसावा रूरा में नामित जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास को किया गया था। अभी तक कई महीने बीत जाने के बाद भी जांच नहीं की गई है। पुनः 4 दिसंबर को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच अधिकारी नामित किया गया। अभी जांच नहीं की गई और न ही अवगत कराया गया। जनहित की समस्याओं को देखते हुए भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कई सैकड़ों मजदूर किसानों के द्वारा विकास भवन सीतापुर का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मजदूर किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश महासचिव अवध बिहारी, राष्ट्रीय सचिव रंजीत सिंह चौहान व एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार राव, महासचिव अरुण कुमार राज, जिला उप सचिव कौशल रावत, मजदूर किसान जिला अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश कुमार, जिला ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कुमार, पिसावा ब्लॉक अध्यक्ष फूलमती, ब्लॉक अध्यक्ष खैराबाद विमला देवी आदि सभी मौजूद रहे। कैसे क्या हो जाएगा आप बताइए हमको। नहीं, फिर वही तो हम कह रहे थे आपसे कि हमारी बात आज क्यों नहीं हो पा रही है। नहीं तो उनसे बात एक बार फोन करके कॉल करिए, कहिए जो करानी है कराइए बात, हम बात करिए उनसे और बात कराइए हमारी। हर बार यही होता है कि लोग जांच देते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि जांच तक की लगी हुई है। आखिर एक मतलब जांच अधिकारी को आदेश का पालन नहीं हो रहा है, आखिर यहाँ कलेक्टर का आदेश का पालन नहीं होगा, अधिकारी नहीं करेगा क्या आदेश करेगा, हम क्या करेंगे आप बताइए। नहीं जैसा अभी हमारी बात अगर करा है तो आप बात करा दीजिए। कहीं भी हो तो उससे आपका उससे आपको तालीफ को मांग कौन चालीस आता है बचा करता है आपका उससे तालीफ आपका उससे
चार दिन में वेट करने का मतलब हम आप बताए दो साल से हम वेट कर रहे हैं, दो चार दिन में वेट करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आकर बैठे तो यहीं से चले गए तो दो चार से बात करनी चाहिए। बैठक शुरू होगी तो वो कितने बजे तक चलती है वो नहीं पता, नहीं तो एक बार मिनट बात तो कर सकते थे, कम से कम हमको समय दे दीजिए। अब दो चार पाँच दिन की बात है, फिर वही हुआ कि पाँच दिन का मतलब फिर वही होगा कि जो हमारे साथ होता चला आ रहा वही फिर होगा हमारे साथ। हर बार वेट करते थे, वेट नहीं किया था, नहीं किया, वेट करते करते आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जांच जो लगी हुई है कितना मैंने वेट किया, तो जांचों से आपको पता चल जाएगा वेट नहीं किया जाएगा, वेट करते करते हो गया ना, कल को सूचना जारी हो जाएगी तब ये कहेंगे अब जांच नहीं हो सकती है। अरे हम कहते अभी नहीं है वो करके जैसा होता है आपका जो मदद हो सकती है वो करवा दें। नहीं हमारी मदद करने की जरूरत नहीं, मदद क्या करें, मदद बात हमारी ये है, मदद का मतलब यही है कि जितनी जल्दी जांच हो सकती है वो हम कोशिश करके करवा दें, सर से बात कर लेते हैं, जिस विभाग का जैसा भी है जो लेटर है जिसको गया उस हिसाब से हमारी एक बार बात हो जाए, मुलाकात तो सीधे साहब से अगर आप बात करा सकते तो आप कराइए हमारे फोन से हो जाती है। सर की बैठक है तो अभी हम कैसे मिला दें सर, ये सर आप बैठक का टाइम हो गया हमारे पास पुलिंदा बंदा हुआ जांच करने वापस कर दिया या कोई और है तो किसी कोई और करेगा, जिसको जांच अधिकारी बनाएंगे हर बार टकाया जाता है कि बस आप उसके पास जाइए। दो एक लोग सर से मिलना चाहे तो आप लोग कल भी आके मिल लीजिएगा, यार जितनी बार आप तो मिलना तो होता तो तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता, काम नहीं होता यहाँ पर है ये सब मामला जो है बनने वाला नहीं मामला, ये तो यहाँ पर वो हो गया कि कागज ले लिया गया हम उनको निकाल दिया गया फिर नहीं बात बनने वाली बैठेंगे नहीं यहाँ सुना जाएगा हम बैठेंगे हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे जब तक हमको टाइम नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। टाइम मिल जाएगा ना आपको, टाइम कल मिल जाएगा, कल मिल लीजिएगा तो कल बैठे रहेंगे, पर कल लोग हैं अब सब लोग बैठे क्योंकि हम बैठे रहेंगे। व्यू है कभी कभी उनको इतना समय नहीं कि दो मिनट बात कर लेते हैं, ऑफिस में मौजूद थे बात नहीं कर सकते थे, हमें तकलीफ इस बात की है कि आप ऑफिस मौजूद आप निकलते चले गए बात नहीं कर सकते दो मिनट बात हो सकता है उन तक आपकी बात नहीं पहुंची होगी। अरे सामने से यहाँ से थे, यहाँ थे कि धरना स्थल यही पर बैठे हैं धरना स्थल पर नहीं, बात उनको समय इतना नहीं मिला कि ये गए पूछ ही सकते थे कैसे बैठे हो क्या मामला है ना, उनके कानों तक आवाज नहीं जा पा रही साथ मतलब ये तो फिर वो रहा कि मतलब कि न्याय की यहाँ बात ही नहीं रही या इंसान और उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब यहाँ ऐसी बात है एक सामने से एक ऑफिसर डीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर गुजरे और हम लोग बैठे रहे और हमारी समस्या को कोई ये ना पूछे कि आदमी कैसे आया होगा, नहीं हम क्यों उठ गए, हम क्या आपका रास्ता थोड़ी रोक लेंगे, अगर आप मेरी बात सुनने आई हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपने सुनने आती तो हम आपसे भी बात नहीं कहते भाई, कोई अधिकारी हमारे से गुजर रहा है हाथ करके थोड़ी रोक लेंगे उनका अधिकारी। कल तक आपको परसों मैक्सिमम परसों तक आपको फोन आएगा मिलने के लिए बुला लीजिए, दो एक लोग आइएगा सर से मिलके अपना आराम से बात कर लीजिएगा, अगर किसी और अधिकारी को गई है जांच जिसको भी गई है उसकी स्तर नहीं, जांच किसी को नहीं गई, हमारा संपर्क करते रहे सभी से, सभी के संपर्क करते रहे, फिलहाल हम लोग जाएंगे यहां से, यहां पर बैठे रहेंगे जब हमको आश्वासन दिया यहाँ पर हम लोग यही बैठे रहेंगे कि हम क्या करना है, हम लोग यहाँ से तारीख लेकर के नहीं जाएंगे, करवा देंगे ना वही तो हम तो आज मीटिंग कितने दो घंटे चार घंटे पाँच घंटे चलेगी नहीं एक आध घंटे मीटिंग रात में तो आएंगे, रात में तो आएंगे, रात में रात में बात करेंगे मीटिंग जब जमा दो यहाँ हमारे किसानों से वार्ता करें आके ठीक है आज हम लोग जमा करके नहीं सब सब गाँव से नहीं है, पिसावा से हैं, हैदराबाद से हैं, परचंडी से हैं, हलिया से भी हैं, सभी गाँव से हैं। चलिए हम तो आश्वासन तो हम यही दे रहे हैं, हम करवा देंगे आश्वासन, कोई सर से हम बात कर लेंगे, जैसा होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा तो चलो हम आज ही बैठे हैं, आज ही वार्ता हो जाएगी, शाम को मीटिंग बैठक है, कौन सी बैठक है, कितनी देर चलेगी, रात में चलेगी, 9-10-11-12 तो वो तो हम भी कह रहे हैं ना कल मिलने बैठे रहने के लिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं दो एक लोग कल आ जाएंगे, नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं, यहाँ से बिना आते रहे समय मिलता रहा से बिना मिले यहाँ से जाएंगे, कार्यकाल प्रधान समाप्त हो चुका है, अब तो समय बचा ही नहीं मिलता, कोरोना काल चल रहा था तो पाँच दिन कोरोना काल में 5 दिन 1-2 दिन काम मिला वो भी भगा दिया जाता, वो पेमेंट पूरे वर्ष पूरे वर्ष में दिन काम मिला है, काम 2 साल काम करने जाते हैं हमारे मजदूर किसान भगा दिया जाता है। आपकी बात सर तक पहुंचा देंगे आज ही,
नहीं, ये पहुंचाने की बात नहीं रही, मतलब बात आज को नहीं हो सकती है, बात पहुंचाने के लिए पहुंचाने तो अभी पहुंच सकती की बात किसी भी तरीके से पहुँचने की बात नहीं है, पहुँचाने की बात जब अंदर थे हम लोग 15 मिनट पहले यहाँ से बैठे कितने ज्ञापन देते रहे हैं, कूड़े डाल दिए जाते हैं, नहीं किसी की जाँच होती है, कूड़े में अभी तक पड़ते हैं, सभी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं, कहना है कि दो चार लोग बेचारे कहाँ कराएंगे, जब मरेगा भूखे मरते जाके गांव में, तब इनको कोई नहीं देखने वाला होता, यहाँ पर मरना विकास भवन मरेंगे, क्या करना गांव में जाके मरेंगे, अधिकारी को भी तो पता चले, जब यहाँ आवाज़ नहीं अंत तक पहुँचती है, अभी तो बाहर बैठे कल उनके ऑफिस में बैठेंगे तब इनको भी कुछ नहीं देगा, अभी तो हम लोग सारे रुके हुए हैं, नहीं यहाँ से कोई जाएगा नहीं, तो बात कर लेंगे, अगर ये सब लोग बैठे हैं तो कोई उनसे डांट के वार्ता होगी, वो आश्वासन हमारे जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान, अभी तो ये अंगड़ा ही है, किसानों ने ललकारा है, बैठो बैठो भारत के लिए अरविंद राय की रिपोर्ट सीतापुर। न्याय वह प्रक्रिया है जिसमें दो पक्षों में लंबित विवाद का निपटारा होता है, इसमें अमली जामा पहनाते हैं, इसमें तेजी तभी आती है जब बार व बेंच में आपसी सामंजस्य स्थापित। उक्त बातें सोमवार को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन कुशीनगर जनपद के तहसील इकाई हाटा के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सांसद विजय कुमार दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि वादाकारी अपने वादों के शीघ्र निपटारे के लिए बार व बेंच के पास इस आशा के साथ आते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। उन्हें यहां आने के बाद जब यह पता चलता है कि हड़ताल है, कोई कार्य नहीं होगा और वे निराश होकर वापस हो जाते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि उपस्थित नगरपालिका अध्यक्ष मोहन वर्मा ने कहा कि बार व बेंच दोनों आदरणीय हैं, इसमें आपस में ऐसा सामंजस्य बनना होना चाहिए कि जहां आने वाले वादाकारियों को निराश होकर न जाना पड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि बार व बेंच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, न्याय के लिए इन्हें वादाकारियों की तरफ से देखने की जरूरत। समारोह के दौरान SDM श्री त्रिपाठी ने अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे, उपाध्यक्ष आनंद शंकर सिंह, महामंत्री रवि नारायण त्रिपाठी व कार्य समिति के अन्य सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश पांडे ने किया। एडवोकेट तेज बहादुर मिश्र, रविंद्र मिश्र, रौनक अली खान, राजेंद्र तिवारी, प्रदीप पाठक, रामेश्वर पांडे, आशुतोष मिश्रा, रविंद्र मणि, याकूब अली, योगेंद्र त्रिपाठी, रामाशंकर त्रिपाठी, ज्ञान विक्रम सिंह, निखिल उपाध्याय आदि सभी उपस्थित रहे। लोकसभा कुशीनगर के कर्मठ जुझारू एवं वृद्धवासी जनप्रतिनिधि एवं सांसद कुशीनगर जी जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथ में नगर पालिका हाटा के ऐसे चेयरमैन जो 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। उनके जब पूरा देश के समाज में इस बात का संकल्प लिया था कि हम इस देश की धरती पर अब वो भ्रष्टाचार की खेल और बड़े बड़े घोटालों की मार से जो ये देश लाचार बीमार अपाहिज की तरह दुनिया के विकासशील देशों के पिछड़ी पंथ पर खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया गया था, अब हम इस भ्रष्टाचार के खेल को पूर्ण समाप्त करेंगे। बारी होती है उनमें कहीं न कहीं इस लोकतंत्र के सम्मान की रक्षा की जिम्मेवारी इस देश के अधिवक्ता गणों के कंधों पर भी होता है। देखने में तो लगता है कि अतताइयों को दंड दिलाना और निर्दोषों को न्याय दिलाना ही आपका काम है, लेकिन मेरा अनुभव है कि चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कहे ना नेतागण, अगर जनता के बीच
समाज के बीच सबसे ज्यादा समय देने का कोई कार्य करता है तो होते हैं अधिवक्ता गण। R9 भारत के लिए सत्यनारायण चौसिया की रिपोर्ट, गोरखपुर।